हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मेथड बाय व्हिच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इज फर्स्ट इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइट ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द एक्वस एनएओएच। सेकंड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड विद एसिटिक सॉल्यूशन। थर्ड इज डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड लास्ट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन विद H2 पैलेडियम इन इथेनॉल। तो सबसे पहले यहां पे जो की कांसेप्ट हमें चाहिए दैट इज सिंथेसिस ऑफ एनिलीन और वी कैन से एरोमेटिक एमीन्स। सो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन में हमें कहा गया है कि जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड है, सो अगर हम उसको ट्रीट करते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्या एनिलीन सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का होता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। सो इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। सो एक्चुअली में अगर हम देखें कि इसकी रिएक्शन होती कैसे है, कि अगर हमारे पास हो, तो हमारे पास ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड होता है, और अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से हमारे पास KX रिमूव हो जाता है और ये कुछ इस तरह का बन जाता है। और फर्दर इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं या फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एक्वस NaOH के साथ, सो हाइड्रोलिसिस करवाने से हमारे पास मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइट। प्लस हमारे पास मिल जाती है प्राइमरी अमीन। बट यहाँ पे हम एनिलीन को इस मेथड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करते हैं, सो क्लोरोबेंजीन पे हमारे पास क्या होगा, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इस पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सो ये हमारे पास क्या कर सकता है, डीलोकलाइजेशन कर सकता है। बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन हमारे पास क्या होता है, इस तरह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। सो इस कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड किसी, देखो इस रिएक्शन में हमारे पास RX बॉन्ड क्लीव हो रहा है, सो RX बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। इस क्लीवेज की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो क्लोरोबेंजीन है वो हमारे पास रिएक्शन नहीं देते। सो वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन यूजिंग द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सो दिस इज द नेमिंग रिएक्शन, बिकॉज एराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सो द क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इज डिफिकल्ट। सो अगर हम इसके आगे फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, तो ये कुछ इस तरह का होगा। और इस पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज, फर्दर हमारे पास ये इधर जाएगा, एंड फर्दर इस तरह से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और हमारे पास क्लोरीन पे, क्लोरीन और कार्बन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए, कि इस मेथड से हम नहीं बना सकते। लेकिन एक बार हम बाकी मेथड्स भी देख लेते हैं। अब बी मेथड है कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड की विद एसिडिक सोल्यूशन, सो इससे हम बना सकते हैं एनिलीन किस तरह से। सो ये हमारे पास फिनाइल आइसोसाइनाइड हो गई, इसकी सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमें मिलता है, ये हमारे पास बन गया एनफिनाइल फॉर्मामाइड। सो अब ये जो एनफिनाइल फॉर्मामाइड है, इसकी जब हम अगेन फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास बन जाता है एनिलीन प्लस HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। सो इस मेथड से हम एनिलीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड विद ब्रोमीन। सो हमारे पास जो सी मेथड है, जो हमें बेंजामाइड दे रखा है, सो दिस इज बेंजामाइड। सो इसकी डिग्रेडेशन करेंगे अगर हमारे ब्रोमीन और NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह का। सो इस केस में भी हम एनिलीन को सिंथेसाइज कर पा रहे हैं। अब जो डी मेथड था, उसमें हमारे पास क्या था, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। सो अगर हम नाइट्रोबेंजीन है और उसकी रिडक्शन करते हैं विद H2
प्लेटिनम एंड इथेनॉल। सो इस केस में भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एनिलिन बनता है। सो इस केस से भी हम एनिलिन सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है जिससे हम नहीं बना सकते एनिलिन, वो है ऑप्शन ए। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।